राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के राम मंदिर ट्रस्ट भंग करने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी हिंदू आस्था की बात आती है दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते हैं, दिग्विजय तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी पलटवार करते हुए कहा कि जो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ है उससे मेहनत की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब भी दिग्विजय सिंह ने उनकी तारीख को लेकर प्रश्न उठाया था। हिंदुओं की आस्था की बात आती है तो दिग्विजय सिंह जरूर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान ही महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी थी, वह अगर प्रदर्शन करते हैं तो यह हास्यास्पद सा लगता है। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी मेहनत ही नहीं की, जब देश पर वैश्विक आपदा आई तब यह लोग घर से नहीं निकले, सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वालों से मेहनत की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो भी हिंदुओं की आस्था की जब जब बात आती है दिग्विजय सिंह ऐसे ही कहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति है। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब इनने उसकी तारीख पर प्रश्न उठा दिया था और जाने कौन कौन से शास्त्र ढूंढ लाए थे। इन्होंने कुंभ के मेले पर सवाल उठाए। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया कि राम काल्पनिक थे, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं। अब इनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हो दिग्विजय सिंह जी से? सोच ही ऐसी है, इनने तो मेहनत कभी की नहीं थी। जब देश पे आपदा आई वैश्विक तब नहीं निकले घर से, तो ये क्या मेहनत करते हो? सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वालों से आप मेहनत की उम्मीद काय को करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की नजर रखने पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है, यह आईटी एक्ट भ्रम और सनसनी फैलाने वालों के लिए है और यह कार्रवाई व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस प्लेटफॉर्म पर होगी जहां भ्रम फैलाया गया है। मुस्लिम बस्तियों में संघ की शाखाएं लगाने पर उन्होंने कहा कि मैं कभी वर्ग विशेष की बात नहीं करता, संघ राष्ट्रवादी सोच रखता है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर कहा कि कोरोना के क्षेत्र में आशाजनक उपलब्धियां मिल रही हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में केवल 11 मामले सामने आए हैं, 29 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं, 249 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हैं, रिकवरी दर 98% से ज्यादा है। देखिए, कांग्रेस का भ्रम फैलाना या ऐसे लोग जो भ्रम फैलाते हैं, मध्य प्रदेश में मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है, मध्य प्रदेश में स्वच्छंद है। ये जो आईटी एक्ट आया है ये उन लोगों के लिए जो भ्रम फैलाते हैं, जो आतंकी गतिविधियां फैलाते हैं, जो सनसनी फैलाकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अवैधानिक काम जो करते हैं, उनके लिए ये बनाया है। और इसमें भी कार्रवाई उस प्लेटफार्म पे होगी, व्यक्ति पे नहीं करेंगे। जैसे फेसबुक है, उस पे आपने कोई विवादास्पद आपत्तिजनक सांप्रदायिकता फैलाने वाला ट्वीट कर दिया तो उसको देखना चाहिए। और हमने भी अलग अलग सेल बनाएंगे, जैसे अगर आतंकी गतिविधियों से संबंधित कोई बात आई या हिंसक वारदात से संबंधित कोई बात आई तो PHQ का एक नोडल अधिकारी होगा जो उसे गृह विभाग को सूचित करेगा और गृह विभाग फिर उस पर अगली कार्रवाई करेगा। आईटी एक्ट है 79 या कौन सी धारा है। महिला बाल विकास में अलग नोडल अधिकारी करेंगे हम, स्वास्थ्य विभाग का अलग नोडल अधिकारी होगा, लेबर का अलग नोडल अधिकारी होगा जो इस तरह की पोस्टों को वाच करेगा, ध्यान देगा। आशाजनक उपलब्धि आ रही है, आज पूरे मध्य प्रदेश में 11 कुल मामले नए आए हैं, 29 लोग ठीक होकर के अपने घरों की ओर गए, 249 एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में रह गए हैं, रिकवरी दर हमारी 98.8 है और रोज की भांति 70,000 के आसपास टेस्ट हमारे प्रदेश में हो रहे हैं।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।